बिना सीमेंट ताजमहल आखिर बना कैसे? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेज में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट को साल 1824 में ब्रिटिश बिल्डर जोसेफ के द्वारा बना के तैयार किया गया था। लेकिन बात अगर ताजमहल की जाए तो ताजमहल को 1631 से 1648 के बीच बना के तैयार किया गया था। तो सवाल तो ये उठता है कि उस समय दुनिया में सीमेंट की जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी, तो फिर ताजमहल जैसे बिल्डिंग्स को बनाकर तैयार कैसे किया गया? असल में दोस्तों, उस समय के सभी प्राचीन इमारतों के पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बताशे, बैलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और पंकर को आपस में मिक्स करके उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था, जिससे कि एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार हो और इसी से इन इमारतों के पत्थरों को आपस में चिपकाया जाता था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि उस समय इस्तेमाल होने वाला ये सेमी सॉलिड मिक्सचर अभी के सीमेंट के मुकाबले काफी स्ट्रांग होता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।